अब देखो ये, अब एक राहुल दूसरे राहुल से बात करेगा। अब देखो देश में जो नफरत फैल रही है उसका मैं आपको कारण दिखाता हूं। राहुल आप कितने समय से रोजगार ढूंढ रहे हो? सर हम 2018 में इंटर का एग्जाम दिए हैं, मगध यूनिवर्सिटी में 5 साल में, 3 साल का ग्रेजुएशन 5 साल में करवाया, अभी तक भटक रहा हूँ, और यूपी पुलिस का एग्जाम देने आया हूँ यूपी में, 65 लाख यहाँ का भौम गया है, सीट है मात्र 60,000, एएलपी में वैकेंसी आया मात्र 5600, सीट खाली है अभी वैकेंट में 80,000, सारे बेरोजगार छीन रहे हैं हम लोग को, हम लोग छात्र पढ़ रहे हैं 20 साल से, क्या करेंगे आगे? अच्छा एक बात बताओ, तुमने कॉलेज गए, यूनिवर्सिटी गए? यस सर, ग्रेजुएशन है, अभी पीजी कर रहा हूँ मगध यूनिवर्सिटी से। अच्छा आपने इसमें कितना पैसा डाला है? क्या सर मगध यूनिवर्सिटी कितना खर्चा किया पढ़ने में, पढ़ाई में, शुरुआत से लेकर आज तक कितना पैसा दिया आपने पटना में? पापा ने, आपके पापा ने? शुरुआत से तो काउंट ही नहीं कर सकते हैं सर, 5 साल से तो पटना में रह रहे हैं, मगर कितना 5,000 लगता है वहाँ सिर्फ रहने खाने में, कोचिंग छोड़कर। तो कितने रुपए लगा दिए आपने इसमें? बहुत, क्या 5 से 10 लाख रुपए, ऐसे एक भाई है, हम तो ऐसे ऐसे हमारे जैसे कितने लोग हैं, एक अगर हम एक ही भाई थोड़ी है ना सर, घर में बहुत सारे लोग पढ़ने वाले रहते हैं। तो आपने 2-3 लाख रुपए तो लगा दिए होंगे इसमें? उससे ज्यादा, उससे 5 गुना ज्यादा, 10 लाख रुपए लगा दिए होंगे आराम से, अभी बचपन से आराम से हो गया। तो आपने 10 लाख रुपए रोजगार पाने के लिए लगाए थे? यस सर। और अब आपको पता लगा कि 10 लाख रुपए प्राइवेट कॉलेजेस ने, यूनिवर्सिटी ने आपकी जेब से निकाल लिए और रोजगार नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। आपको क्या लगता है कितने सालों में मिलेगा आपको रोजगार? एक दिल की बात बताना चाहता हूं सर, जैसे पहले आज के 1 से 2 साल पहले आपके भारत न्याय जोड़ो के यात्रा के पहले कांग्रेस को लोग विलुप्त मान चुका था आपने, हम कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं हूं, हम मैं इस देश का छात्र हूं, तो उस देश के नाते बोलना चाहता हूं, आज के 1 से 2 साल पहले कांग्रेस को लोग हल्के में ले रहे थे क्योंकि बीजेपी का मुकाबला नहीं कसब कर सकता था, लेकिन उसके बाद जैसे आपके भारत जोड़ो की यात्रा स्टार्ट हुई है, लोग आपको मैच्योरिटी से गंभीरता से लेते हैं। नहीं नहीं सुनो, वो सब ठीक है, मगर अभी हम बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। हाँ, तो आपसे उम्मीद, पूरा बात सुनिए ना सर, आपसे पूरा लोगों को उम्मीद है, बिहार के पूरा लोगों को उम्मीद आपसे, हम जहाँ तक हम सुन के पाते हैं आपसे, इस बार के इलेक्शन में पूरा उम्मीद है और चाहते हैं नरेंद्र मोदी की सरकार बदले और छात्र बेरोजगारों को हित। अच्छा अब एक बात बताओ, आपको नोटबंदी से फायदा हुआ? नहीं सर, कोई फायदा नहीं हुआ नोटबंदी से, क्या फायदा होगा हमें? अच्छा नोट, थैंक यू ब्रदर।